देश में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना लोको पायलट बनने यानी भारतीय रेल चलाने का होता है, लेकिन जानकारी ना होने के कारण वो स्टूडेंट अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं, इसकी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट टेंथ के बाद ही ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप सिर्फ टेंथ पास करके लोको पायलट नहीं बन सकते, इसके लिए आपको थोड़ी और पढ़ाई करनी होगी। अगर आप बेरोजगार पढ़े लिखे युवा हैं तो ट्रेन में सफ़र करते हुए आपको भी ट्रेन ड्राइवर बनने का थॉट आया होगा। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर और लोको पायलट कैसे बने। भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर और लोको पायलट एक ही पोस्ट होती है, जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग के लिए मालगाड़ी और फिर एक्सपीरियंस होने के बाद पैसेंजर ट्रेन चलानी होती है। ट्रेन ड्राइवर कैसे बने? भारत में किसी भी नौकरी के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। इसी तरह भारतीय रेल के ट्रेन ड्राइवर बनने में कम से कम 10th पास का सर्टिफिकेट और 2 साल का ITI डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका लोको पायलट बनना और भी आसान हो जाता है। वैसे देखा गया है कि भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए ज़्यादातर ग्रेजुएट लोग ही अप्लाई करते हैं। भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग भारतीय रेल में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत कम पोस्ट होने के कारण कुछ लोग की ही नौकरी लग पाती है। जहां तक बात करें ट्रेन ड्राइवर की, तो इसमें भी नौकरी पाना आसान नहीं है, इसके लिए भी लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय रेल में नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन को चेक करने के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। अगर आप सभी रिटन एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें पास होना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल में खासकर आंखों का टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता किया जाता है कि आपकी आंखों में कोई ख़राबी तो नहीं है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ड्राइवर बनने के लिए योग्यता या एलिजिबिलिटी क्या है? लोको पायलट बनने के लिए आप में ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, इसके बाद ही आप भारतीय रेल में नौकरी कर सकते हैं। आपकी एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कम से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट और 2 साल का ITI या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन हैं तो आप भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेन ड्राइवर के एग्ज़ाम में क्या आएगा? भारतीय रेल के द्वारा आयोजित रिटन एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। वैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखा गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जनरल नॉलेज से जुड़े होते हैं। ऐसे में आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। मार्केट में ऐसी बहुत सी किताबें मिल जाती हैं जिसमें बताया गया होता है कि रेलवे में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए
90 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक गलत उत्तर देने पर आपका एक अंक काट लिया जाता है। पहला एग्जाम पास करने के बाद अब आपका साइको टेस्ट होगा। इस टेस्ट में भी रिटन एग्जाम होता है। इससे ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप दिमागी तौर पर कितने हेल्दी हैं। इसमें आपसे ऐसे दिमाग फिराने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आप इस टेस्ट में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप कितने जल्दी सही फैसला ले सकते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस टेस्ट में पास हो सकते हैं। ट्रेन ड्राइवर के मेडिकल टेस्ट में क्या होता है? पहले और दूसरे एग्जाम में पास होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ज्यादातर ध्यान आपकी आंखों में दिया जाता है, क्योंकि किसी ट्रेन ड्राइवर के लिए उसकी आंखें ठीक होना जरूरी होता है। ऐसे में आपकी आंखों में किसी भी तरह का दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। हालांकि रेलवे के इस मेडिकल टेस्ट में शरीर के और भागों का टेस्ट भी होता है, लेकिन जो मेन टेस्ट होता है वो आंखों का ही होता है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट की जांच। जब आप पहले और दूसरे एग्जाम को पास करने के बाद साइको टेस्ट से गुजरते हैं तो साइको टेस्ट में पास होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। इसके साथ ये भी पता किया जाता है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं। इसमें आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सिग्नेचर और फोटो की जांच की जाती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको ट्रेन ड्राइवर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको ट्रेन की सभी जानकारियों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ट्रेनिंग में आप असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको सबसे पहले मालगाड़ी चलाने के लिए दी जाती है। जब आप मालगाड़ी चलाने में परफेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद आपको पैसेंजर ट्रेन चलाने की नौकरी दी जाती है। ट्रेन ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है? शुरुआत में आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनाया जाता है, जिसमें आप पहले से मौजूद मेन ट्रेन ड्राइवर के साथ रेल चलाते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी 5,000 से लेकर 20,000 तक होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। जहां तक सीनियर ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो इनकी सैलरी 55,000 से अधिक होती है। तो लोको पायलट बनने की प्रोसेस 4 स्टेप में होती है। पहला एग्जाम, दूसरा साइको टेस्ट, तीसरा मेडिकल और चौथा ट्रेनिंग। अगर आप भारतीय रेलवे की ट्रेन चलाना चाहते हैं और इसमें नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको इससे जुड़ी बुक पढ़कर इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही किसी एरिया में वैकेंसी निकले उसके लिए तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।